राम भक्तों पर गोली, अब तालिबान वाली बोली। कंधा देने के लिए दो वोट भी मिलने वाले हैं। योगी ने बताया, अब्बा जान याद दिलाया। और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में आ गए हैं। सीएम योगी ने यूपी के कुशीनगर और संत कबीर नगर से चुनावी शंखनाद किया। अब्बा जान, माफिया और मंदिर पर बोलते हुए सीएम योगी ने विरोधियों को ऐसी पटखनी दी है कि जिस पर पलटवार करने में भी विरोधियों को कई बार सोचना होगा। सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए न सिर्फ ओवैसी को आईना दिखाया, बल्कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को भी जमकर खरी खरी सुनाई। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते? ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर अब्बा जान का मुद्दा छेड़कर अखिलेश के जले पर नमक छिड़क दिया है और जनता को भरसक समझाने की कोशिश की है कि गरीबों का हक मारने वाले अब्बा जान आज सत्ता से बाहर क्यों हैं? राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। योगी ने यूपी के माफियाओं का भी मुद्दा उठाया। योगी ने याद दिलाया कि अब माफिया यूपी में हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। योगी सरकार माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रही है। का एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के साथ बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा। यूपी में दंगों को लेकर भी सीएम योगी ने विरोधियों की पोल खोल कर रख दी। सीएम योगी ने साफ कहा कि यूपी में दंगा और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। जिसने भी दंगा करने की सोची, उसे यूपी सरकार उसकी सही जगह पहुंचा देगी। डोर और दुर्गा पूजा के लिए तमाम को परेशानी होती थी, आज कोई परेशान करके देखे तो क्या होगा था? छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने दो टूक कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का करो। चुनावी शंखनाद करने के दौरान सीएम योगी ने विरोधियों के एक एक एजेंडे की बखिया उधेड़ कर रख दी। जनता के बीच सीएम योगी ने अब्बा जान के नाम से डकैती डालने वालों की पोल खोल कर रख दी। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए, 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हिसाब से मतलब लगा लिया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, अब सीएम यह कहकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि हिंदुओं का सारा राशन मुस्लिमों ने खा लिया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आतंक के मुद्दे पर जमकर खरी खरी सुनाई। सीएम योगी ने जनता को समझाते हुए साफ कहा
कि बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां आतंक पर दोहरा चरित्र रखती हैं। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं पाता है, और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद फैला। सीएम योगी ने जिस तरह से मंदिर, माफिया, अब्बाजान और आतंक के नाम पर विपक्ष पर प्रहार किया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में योगी का बेहद आक्रामक चुनावी अंदाज देखने को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।